वो तो झांसी वाली रानी। अब जानकी बाई का खेल तो समाप्त हो गया, बस हमें इस गंगाधर को मारकर राजगद्दी हासिल करनी होगी। जाओ जाओ, जाकर अपना जहर गंगाधर की नसों में घोल दो। सांप का जहर और सकुबाई का कहर, जिसे कांपती है मौत और डरता है डर। देर हो गई, हमारा नागराज अभी तक वापस नहीं आया, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। वहीने साहब, आप भी? महाराज वो बस, और एक शब्द नहीं सुनना चाहते हम। आप जैसे लोगों के लिए स्वयं को चोट पहुंचाना मूर्खता है। मोरबन जी, इन्हें भी झांसी से इतनी दूर ले जाइए कि आज के बाद ये झांसी में वापस लौट ना पाए। हमने आपको मां का दर्जा दिया था और आपने मोरबन जी, ले जाइए। धन्यवाद छोटिया साहब, आपके कारण सक्कूबाई साहब की सच्चाई हम सबके समक्ष ला पाए। लक्ष्मी, रात बहुत होगी, हमें लगता है अब हमें सो जाना चाहिए। द्वार खुला हुआ है, आ जाइए। छोटी बहनी साहब, आप इस समय यहां, सब ठीक तो है? महाराज हमें माफ कर दीजिए, खुदा बस खता ना करे। हमें जानकी बाई साहब के बारे में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन महाराज सक्कू बाई साहब का एक राज हमें पता चला है। कैसा राज छोटिया साहब, बताइए ना हमें। महाराज ये कुंदेलों का है और ये हमें सक्कूबाई साहब के अंगरक्षक की लाश के करीब मिला था। महाराज बुंदेलों के हमले के पीछे भी इनका यह हाथ था। खुदा बस खता ना कराए, जब से जानकीबाई साहब का पर्दाफाश हुआ है इनके तेवर कुछ पतले पतले से लग रहे हैं। अल्लाह महाराज, आज तो सक्कूबाई साहब को देख के ऐसा लग रहा था कि वो आपके खिलाफ कोई खतरनाक साजिश रच रहे।
या खुदा, हमारे महाराज को हर बला से बचाना। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें इनके गलत इरादों के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं बहने साहब, हम समझ सकते हैं। ये भय जो होता है, ये ना चाहते हुए हमें बहुत कुछ छुपाने पर विवश कर देता है। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम आप उन जैसी नहीं है। तौबा तौबा महाराज, हम में लाख बुराइयां है लेकिन धोखेबाजी नहीं। खैर, अल्लाह की मेहरबानी से सारे दुश्मन झांसी के बाहर चले गए, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी सारे दुश्मन नहीं गए। जब तक ये अंग्रेज हिंदुस्तान में है तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। फूलिश जानकी बाई, आज उसके चक्कर में मैं फंस जाता। She's so impatient. क्या जरूरत थी बिना चेहरा देख के सब कुछ बड़बड़ा देना? इसके पीछे कितनी मेहनत की, कितना सपोर्ट किया उन्हें, पर सब वेस्ट हुआ। And now she's been thrown out of Jhansi and all my investment has gone down the drain. मैं उस किंग और क्वीन को मारने का पूरा प्लान बना दिया था, पर पूरा स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। All because of that foolish Janki Bai and that cunning father of the queen. उसने रानी जानकी बाई को एक्सपोज किया था, दाए माँ को ढूंढ कर लाया। ये बाप और बेटी की जोड़ी बहुत खतरनाक है। आज उनकी वजह से मेरा इतना बड़ा सपोर्ट महल से बाहर चला गया। Now I'll have to strike back before it's too late. अब वार करने की बारी मेरी है। पता लगाओ रानी जानकी बाई के साथ क्या हो रहा है, और प्लान कंप्लीट करने के लिए हमें उन्हें अपने कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। एंड मीनवाइल इस मोरपंत को तो कुछ करना होगा, क्योंकि वो बाहर से जितना सीधा दिखता है वो अंदर अंदर से उतना ही खतरनाक है। एंड रॉस इज नेवर रॉन्ग। हमें लगता है हमने जानकी बाई को बहुत जल्दी यहां से भेज दिया। यदि थोड़ी और पूछताछ की गई होती तो शायद कई तौर और खुल जाते। रॉस साहब, हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। महाराज और महारानी अपनी सुहागरात इस महल में नहीं, रूप महल में मनाएंगे। बस आपसे एक विनती है, उन्हें मौत के घाट उतार दीजिए। वो मुझे रॉस कह रही थी और समझ भी रही थी। जिस प्रकार वो धूर्त रॉस मौके से दुम दगा तो भाग गया, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि वो जानकी बाई के हर जुर्म का साथी था। वैसे भी इतना कुछ अकेले करना जानकी बाई के बस की बात नहीं, और रॉस के अलावा ऐसे कुकर्मों में उनकी सहायता कर भी कौन सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। वो शातिर रॉस अपने साथी की सच्चाई सामने आने से बौखला गया होगा। वो महाराज और हम सब के विरुद्ध अवश्य कोई ना कोई खतरनाक कदम उठाएगा। महाराज, हमें लगता है कि पिछली बातें भुलाकर आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें तो लगता है अब आप दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ने रूप महल जाने के लिए सोचा। वहां इत्मीनान से एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर अच्छा लगेगा आपको। नहीं छोटी बहने साहब, हम अभी कहीं जाना नहीं चाहते। रूप महल हम कुछ दिनों बाद जाएंगे। या अल्लाह, यही तो चाहते थे आपके दुश्मन।
कि आप दोनों एक ना हो पाए।